तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में आयरन प्रॉक्सी प्रो एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आयरन प्रॉक्सी प्रो ऐप क्या है और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करें, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के आयरन प्रॉक्सी प्रो ऐप को सर्च करना है और प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की अभी तक 1 लाख+ डाउनलोडिंग कम्प्लीट है, 4.4 का स्टार है, 3+ रेटेड, तो प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, सबसे पहले एग्री ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसे कम्प्लीटली आपको इसे ओपन करना है। सो यहाँ पर आप देखते हो, जैसे आप इसे ओपन करोगे कुछ ऐड शो करेगी, तो गाइस ऊपर से गाइस आपको ऐड को स्किप करना है। ऐड स्किप करने के बाद इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है फास्टनेट सर्वर को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। इस एरो पर क्लिक करने के बाद जिस भी सर्वर को आपको कनेक्ट करना है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और गाइस कनेक्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम वेट करना और आपके मोबाइल में जो है सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और इसे डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसके बाद गाइस आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस का ऑप्शन शो करेगा। टूल्स पर क्लिक करने के बाद स्पीड टेस्ट कर सकते हो, चेक आईपी सर्वर लिस्ट, ऐप फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल में फास्टनेट सर्वर को यूज़ कर सकते हो।